दो फिल्में जिनको मैंने देखी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, और दोनों के मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किए क्योंकि मूवीज अब रिलीज हुई तब मेरा चैनल नहीं था, अब है तो मैं अब रिव्यू करूंगा। क्या हाल है सबके, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आरडी एक्सेस व्यू। समय ज्यादा नहीं लेंगे, फट से रिव्यू करके निकलेंगे। हाँ, और ये जो मैंने इंट्रो दिया वो हो सके आपको न्यूज चैनल जैसा लगा हो। वीडियो शुरू करने से पहले भीख मांगना चाहूंगा, हाँ भीख ही मांगते हैं ना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि चैनल मोनेटाइज होगा तो मैं एक अच्छा सा माइक लूंगा और बढ़िया क्वालिटी वाला वीडियोज बना के आपको दूंगा, ताकि आपको भी वीडियोज में अच्छा लगे, मेरे को भी अच्छा लगे। हाँ बस इतना ही था, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो शुरू करते हैं, शुरू करो प्रोग्राम। लिस्ट पे पहले नंबर पे राजकुमार राव, हुमा कुरैशी, राधिका आप्टे स्टार, क्राइम कॉमेडी थ्रिलर मोनिका ओ माय डार्लिंग, जो काइगो होगासिनो की 1989 में आई जापानीज नोवेल की एडेप्टेशन है। यहाँ कैसा नाम कौन रहता है। बिना स्पॉइलर दिए स्टोरी बताऊं तो एक स्मॉल टाउन लड़का है जो मेहनत से किसी कंपनी में बड़ा नाम कमाता है, और उसी कंपनी का ओनर उसके मेहनत से खुश होकर उसकी बेटी का हाथ उसके हाथ में देता है और कंपनी का कुछ शेयर्स भी परसेंटेज हाँ वही देता है, और कहता है बेटा तू मेरे कंपनी को आगे लेके जाएगा। पर वो लड़का क्या करता है, उसी कंपनी में कंपनी ओनर का सेक्रेटरी के साथ गुलू गुलू कर लेता है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी इमोशनल ब्रेकमे करती है, तेरा बच्चा मेरे पेट में है वगैरह वगैरह, उसके साथ साथ दो और लोगों को भी वैसे ही सेम ब्लैकमेल करती है पैसे के लिए। फिर तीनों को एक दिन पता चल जाता है कि ये हमारे साथ गेम खेल रही है, तो हम इसके साथ गेम खेलेंगे, नहीं गेम नहीं खेलेंगे, इसको टपका देंगे। तीनों मिलके एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं उसको टपकाने का। फुल प्रूफ प्लान बनाने के बाद तीनों एग्जीक्यूट करने निकल जाते हैं प्लान को। फिर उसके बाद जो भसड़ होता है, एकदम फिल्म के एंड तक भसड़ खत्म नहीं होती। फिल्म देखने में काफी मजा आया, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, अभी तक नहीं देखे तो मस्ट वॉच, बढ़िया एंटरटेनमेंट देगी मूवी आपको, ये मेरा गारंटी है। अब आते हैं बॉलीवुड से इस साल की बेस्ट कॉमेडी फिल्म, ईशान खट्टर, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, कैटरीना कैफ स्टारर, सुपर नेचुरल कॉमेडी ड्रामा फिल्म फोन बुक, जो मुझे तो हंसाने में कामयाब रही। आपका क्या कहना है कॉमेंट में बताना। फिल्म है दो लड़कों के ऊपर जो निकम्मे हैं, वैसे बोलने में काफी खराब लग रहा है क्योंकि मैं भी निकम्मा हूँ। फिल्म में दो लड़कों पे जो अपने फैमिली से सेपरेटेड रहते हैं, जिनको भूत के साथ चुड़ैल आत्मा डायन मंजुलिका स्त्री और एक थी डायन भूतिया चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और कुछ काम धाम नहीं करते। उनका खर्चा उनके पापाओं के दिए पॉकेट मनी से चलता है, और एक लड़का पंजाबी है, दूसरा मद्रासी साउथ इंडियन। फिर एक दिन कोई हादसा हो जाता है जिससे उनको भूत पिशाच चुड़ैल एटसेट्रा एटसेट्रा नहीं बोलूंगा, फिर से बहुत लंबा हो जाता है, वो सब दिखने लगते हैं असली में। और उन्हीं भूतों में से एक भूत होती है रागिनी, MMS वाली नहीं, रागिनी फोन भूत वाली कैटरीना कैफ, और उसी आपदा को अवसर में बदल के दोनों एक बिजनेस शुरू करते हैं फोन, जिसमें उनका काम रहता है भूत भगाने, और उसी भूत भगाने के दौरान जितने भी सारी बकचोदी होती है वो है असली बकचोदी। नहीं नहीं सच में असली बकचोदी उसे ही कहते हैं। देखो पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड जितने भी कॉमेडी मूवीज आई है सारी के सारे एवरेज रही है कॉमेडी के मामले में, उस हिसाब से देखोगे तो फोन भूत ने काफी अच्छा काम किया है कॉमेडी के मामले में। हाँ एंडिंग और थोड़ा बेहतर हो सकता था, पर जो था ठीक ही था, देखने में अच्छा था, लेकिन कॉमेडी के डिपार्टमेंट में फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। मूवी एंडिंग में थोड़ा बहुत नॉनसेंस बन जाती है जो देखने में इतना बढ़िया नहीं था, पर एंडिंग की वजह से बाकी फिल्म को तो नहीं भूल सकते ना। पॉप कल्चर के रेफरेंस को लेकर एक्टिंग और स्क्रीन प्ले के साथ मिलाकर हाँ, और छोटे छोटे एयर्स भी, सारी चीजों को जिस तरीके से दिखाया गया है फिल्म में देख के काफी मजा आता है, जो कि हमें जिंदगी से चाहिए। ओवरऑल दोनों फिल्म की बात करें तो दोनों देखने लायक है, लायक नहीं बहुत ज्यादा ही अच्छी है, मेरे तरफ से तो रिकमेंडेड है मूवी, आप देख सकते हैं। मूवी देख के बताना कैसा लगा, और देख चुके तब भी बताओ कैसा लगा। वीडियो में यहाँ तक रुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा नहीं है 100 तो आप कर दो ऐसा उम्मीद है। चलो तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।